चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर। और ये देखिए सुबह सुबह अक्षिता सोकर उठ गई है और ये दोनों भाई इसको खिला रहे हैं, इसके दोनों मम्मा आकाश विशाल। कभी इसकी तरफ को देख रहा है, कभी उसकी तरफ को, बेचारी नो सोच रही है वो क्या रहा। देखिए अब ये बोल लगा इसकी तरफ देखेगी, दोनों की तरफ देख लाए, कई बार दोनों बैठ कर खिला रहे। और पहले अपने टेडी बियर से खेल रही थी सुबह उठ के, सुबह सुबह टेडी बियर से खेल रही अपने, अब अपने मामा जी के साथ खेल रही है ना। हाय कर दो, हाय और बाहर बहुत सर्दी हो रही, धुंध पड़ रही। अक्षिता को तो हम बाहर निकालते ही नहीं ठंड में, बस जब धूप निकलेगी तभी से धूप में थोड़ी देर बाहर निकाल लेंगे। क्या हो गया? अक्षु बाल पाड़ दे, यही सिखाई हो बाल पाड़ने, अच्छी बात तो सिखाओ इसे। ये देखो मौसम कैसा हो रहा, धुंध पड़ रही पूरी, धूप तो पता नहीं किस टाइम निकलेगी। देखिए भाजी कहाँ पड़ी, खाट है ऐसे और पड़ी है ऐसे तिरछी। माँ जी पेटी पे क्यों सिर दर रखा, सीधी क्यों नहीं पड़ रही है? माँ जी मुंह तो गाड़ दिखा तो दे, ऐसे क्यों पड़ी तुम तिरछी, उधर को पड़ो सीधी, सिर फुड़वा लिया नहीं पेटी में, उधर को लेटो सीधी हो गए, यहाँ पेटी में लगेगा नहीं वो सिर। चलो सीधे होके लेटो परे को। और आज बहुत अच्छी धूप निकल रही है, रक्षिता यहाँ पे खेल रही धूप में, और ये पड़ी कुसुम्बुआ और रक्षिता, और ये बैठी यहाँ पे माँ जी। और बहुत अच्छी धूप है, आज हवा भी नहीं है, है ना, आज कैड़ी धूप है, हवा भी नहीं है, अभी अभी निकली है धूप, बस थोड़ी देर लिटाऊंगी इस अक्षिता को फिर अंदर, फिर तो नया पड़ेगी। और कलर हो गया बरामदे में, अंदर बाहर होने लग रहा। और अक्षिता को बुआ खिला रही है, जैसे रोज बुआ। और इधर रिद्धि इसके टैडी के साथ खिला रही है। और ये देखो मेन चीज जो दिखानी थी, आकाश का पोस्टर बेड के ऊपर लगा दिया आकाश ने तो रंग होते ही, कितना अच्छा लग रहा, बहुत सुंदर लग रहा पोस्टर, बहुत बड़ा है पूरे बेड के ऊपर, एकदम बढ़िया लग रहा। और बाहर देखो बरामदे में कलर, अभी और होएंगे इनमें पंखों के डिजाइन बनेंगे। रक्षिता अपने मामू के साथ खेल रही है, विशाल के साथ। अक्षी अक्षिता कहाँ तेरा टैडी, टैडी बियर? अरे अंदर ही रह, अंदर ठंड में बची रहेगी। अक्षु कहाँ जा जड्डा हो रहा, यहीं बैठी रहो, यही खेल लो बैठ कर कंबल में, जुज्जू के मिल रहे जुज्जू के हैं। हाय 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 हाय, गुदगुदी हो इसका गुदगुदी। पटरा मेरा ट्रो।
रक्षिता बाहर जाने के लिए परेशान हो रही है। बाहर जाना है अक्षु, बाहर जाना। बाहर नहीं जाते बेटा, ठंड हो रही, यहीं पे खेल लो। ये रहा आपका गुड्डा, आपका टैडी, टैडी बियर से खेल लो। कुछ खेल ले, ठंड हो रही, ठंड, बाहर बहुत सर्दी है। देखे देखे देखे, खावेगी से भी खावेगी। ले 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 ले, खेल लो इससे, खेल लो। देखे मुड़ मुड़ के देखे, सीधी हो पहले तो तू इससे। देखो गुस्सा दिखावे है, खावेगी इसे। खा ले। अरे भाई, अरे भाई, अक्षय तो बिन पीछे को गिर गया, टैडी को भी गिर दिया, टैडी बियर को भी गिर दिया, अपने आप भी गिर गई। बैठ के क्यों नहीं खेलती बेटा, पीछे जावे निकली हुई है। लो खेल लो इससे, ले। गुस्सा, अक्षय को गुस्सा आ जा, फिर खा जाए से टैडी बियर को। अक्षय एक्शु, जब अक्षिता को गुस्सा आता है तो कैसे खाती है एक्शु? उसकी नाक खावे, टेडी बियर की नाक खावे। एक्शु खा ले ले। और दोस्तों, हम आ गए थे ऑफिस से, और आज तो बहुत ज़बरदस्त ठंड हो रही है बाहर, एकदम मतलब सूखा पाला पड़ रहा है, और सर्दी में ठिर गए हाथ से, मतलब एक तरह से जम गए हम बिल्कुल। और अभी देखिए मम्मी जी हमारे लिए क्या बना रही हैं, बना बढ़िया चीज़ रही हैं, दिखाता हूँ आपको क्या बना रही हैं। और ये देखिए दोस्तों, आपने पिट्ठी से ही अंदाजा लगा लिया मम्मी जी क्या बनाएंगी। मम्मी जी बना रही हैं आलू प्याज के पराठे। मम्मी आलू प्याज के पराठे सर्दियों में तो मज़े आ जाते हैं। और इधर देखिए हमारी गर्मा गर्म चाय भी रेडी हो रही है, क्योंकि पराठे के साथ तो चाय ही की अच्छी लगती है, ना कि दूध। तो हमारी अदरक वदरक डाल दिया मम्मी जी इसमें, मावा निकाल दो दूध को, मावा भी निकाल दिया, दिखाना मावा। आधी ये 3 लीटर दूध का आधी किलो निकला। हाँ ये है, चलो सही है, कुछ मिलावट करता हुआ दूध। क्या बढ़िया बड़ा, एक कल का और निकल जाए, बस एक दिन का और। अरे कल का नहीं निकलेगा भाई, कल दूध नहीं चाहिएगा, परसों काट लियो, परसों निकाल लियो। हाँ परसों को निकाल, तो बढ़िया बनाओ, परसों के मतलब एक दिन का 2 दिन काम आ जाएगा, और परसों का निकाल लेना मावा। 5 किलो गाजर ले आऊंगा, 4-5 किलो गाजर आ जाएगा, मजे आ जाएंगे गाजर के हलवे में। माँ को तो दे देगा एक ग्लास, मामा कमजोरी आ जाएगी। तो नहीं दिया तो चाय मिलेगी सबको? हाँ चाय मिलेगी सबको, चाय ठीक है, कोई नहीं 1-2 दिन पी लो चाय, फिर गाजर का हलवा खाएंगे। और सुनाओ माँ जी, तबीयत सब ठीक है बिल्कुल कतई? अच्छा, और खाना खाया भी नहीं? खाया पराठे खाओगे तुम भी? अरे खा लूंगी, मका 1.5 परौठा। अच्छा पराठे नुकसान नहीं करेंगे तुम्हें? करनी अल्लाह अन्य तो मना में नहीं खाए, छोले भी खा लिए। छोले छोले थोड़े नुकसान करे हैं? हाँ, दोड़े छोले तो बतेरे नुकसान करे, दोड़े छोले नुकसान करे हैं। अच्छा जी, मुझे मुझे नहीं पता था छोले भी नुकसान करा करें। माँ मीठा तो नुकसान नहीं करता तेरे शुगर में, छोले नुकसान नहीं करा। मिठा के खाऊंगी ना, मीठा तो कति खाती नहीं हमारी दादी। गाजर का हलवा खाओगी नहीं खाओगी? फिक्का निकलवा लेना, चीनी में डलवाना, सही कह रही है। और इधर मम्मी जी ने बनाने स्टार्ट कर दी हमारे गर्मा गर्म पराठे, और ये पहला पराठा देखिए रख भी दिया है तवे पे, और कुछ ही मिनटों में बनके तैयार, और फिर हम खाएंगे पराठा। और हमारी ब्राउन इतनी कमाल है कि देखिए, मतलब ठंडे फर्श पे बैठी है, और कपड़ों की इसने ऐसी तैसी मार दी है, कतई सब कुछ फाड़ फूड़ के रख दिया, रजाई फाड़ दी, तौलिए फाड़ दिए, मतलब कुछ नहीं छोड़ा। मतलब इसे खुद शर्म नहीं आती कि तुझे ठंड लगेगी तो ये चीज़ें मत फाड़ूँ। तुझे ठंड नहीं लग रही हैं? कुछ अकल है नहीं है तुझे? समझ नहीं आ रहा तेरे मैं क्या कह रहा हूँ? बोलती भी नहीं अब तो, और जब इसके आगे से निकलो तो बस ऐसे पकड़ लेगी, पर निकलने नहीं देती बिल्कुल भी। अब तो ऐसी सीधी बन रही जैसे कुछ जानती ना हो। रोटी खा ली मम्मी इसने? जो कह दी थी मतलब खा ली। अच्छा और भी पाओगी?
इसे भी डालोगे आलू का पराठा? आलू का नहीं खाती, इसके नखरे हैं, आलू का पराठा नहीं खाती हो, और क्या खाएगी हो? पनीर का खाएगी। चल इसके नीचे फिर भी बिछा दो, पर वही बात है, फाड़ देगी। फाड़ तो दिया ही हो, तौलिया। मैं वही तो कह रहा, फाड़ दिया तो लिया। ये और नहीं भी जाओ, तो फाड़ी थी रजाई, तो उसके रोई धो दी मैंने। सारी रोई निकाल दी? हाँ थोड़ी सी रह गई, तो निकाल के धो दी मैंने। अच्छा पराठा सीख गया। माता जी को दे दो। और लीजिए दोस्तों गर्मा गर्म पराठा हमारी दादी जी के लिए। सबसे पहले लीजिए माँ जी खाइए, और लीजिए चाय लाता हूँ इनकी, मेरी चाय गर्मा गर्म। और लेनी हो और ले लिए, चाय गर्मा गर्म, चाय गर्मा गर्म चाय। और लीजिए दोस्तों गर्मा गर्म आलू प्याज का पराठा और साथ में गर्म चाय। तो आइए दोस्तों आप भी मेरे साथ खाइए और बताइए आप सभी को गर्मा गर्म डिनर कैसा लगा। और ये देखिए दोस्तों पारस ने मंगाए थे मम्मी जी के लिए शूज़, बाटा के हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इन पर फूल छपा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं फूल की प्रिंटिंग है इसमें, और पहनने में भी कंफर्टेबल है। मम्मी ने पहने थे मम्मी, कैसे लगे? अच्छे लगे, बढ़िया लगे। दूध डालने में ना, हाँ पहनने करूँगी। अच्छा तो दोस्तों आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा दोस्तों।